हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। बाय द वे, हेलो, ठीक हो तुम लोग? तुम लोग भी सोचते होंगे एकदम वीडियो शुरू होती कूद गया टॉपिक पे। नहीं, थोड़ा सा यार कोर्स ज्यादा है। एनीवेज, तो क्या था, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन है ना, ये पढ़ना है हमें। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन टॉपिक है आज का। तो ये थ्योरम है एक तरह से। तो थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको पढ़ लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या कहती है, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है इसका मतलब, समझा क्या? अगर दो लाइनें हैं, कोई भी दो लाइनें हैं, मान लो ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें मैंने खींच दी, एक का नाम एल दे दिया, एक का नाम एम दे दिया। ये दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें किसी एक तीसरी लाइन के पैरेलल है। टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, तो एक तीसरी लाइन दे दी मैंने ऐसे एन। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि L जो है वो पैरेलल है N के और M जो है पैरेलल है N के, तो ये क्या रखा है यहाँ तक इस कोमे तक कि इफ टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, तो ये दोनों लाइन इस ब्लू वाला लाइन के पैरेलल है, ये बता रखा है यहाँ पर। तो पता है क्या होता है, जब दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होते हैं तो वो जो आपस में भी पैरेलल होती है, मतलब ये L और M भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब L इज पैरेलल टू M और यही है आपकी थ्योरम। बोलो, इतनी सी बात है, समझ आई कि नहीं आई? अगर दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। आसान भाषा में ये है, ये दो लाइनें इसके पैरेलल है, ये देखो बता रखा है ना, एल एन के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये भी आपस में पैरेलल हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, तो यही थी बस थ्योरम। थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और एम एक्स क्यू एम का ये रहा, एम एक्स क्यू 135 डिग्री और एम वाई आर 40 डिग्री, ये दोनों दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई कहाँ गया, एक्स एम वाई, ये एंगल जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ कैसे फाइंड करोगे, बोलो। ऑब्वियसली जो अभी हम इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है उसी से फाइंड करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, इफ टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ए बी, ऐसे एम से होती हुई, एम से होती हुई जा रही है ना, ये ए बी लाइन हमने बना दी, इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये ए बी हमने लाइन बनाई पैरेलल टू पी क्यू। तो हमने करा, वी ड्रॉ ए बी पैरेलल टू इस पी क्यू के। तो हमसे क्वेश्चन में को क्या दे रखा है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब आप देखो इन तीन लाइनों में वही वाली कंडीशन लगेगी जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है। बोल रखा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और आर एस है वो भी पी क्यू के पैरेलल है, ये ना। इसको मैं आर एस यहाँ लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, पी क्यू और आर एस की जगह ऐसे लिख देता हूँ, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, बात तो एक ही है। तो ये कह रहा है ए बी, ये जो ए बी मैंने बनाई ये पी क्यू के पैरेलल है और ये आर एस भी पी क्यू के पैरेलल है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इसका मतलब हमारी थ्योरम के हिसाब से ये दोनों लाइनें किसी एक सिंगल लाइन के पैरेलल है, ये ए बी और आर एस ये एक सिंगल लाइन के पैरेलल है। हमारी थ्योरम ही कहती है ना, इफ टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो लाइनें ए बी और आर एस इस सेम लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपस में ही पैरेलल होगी। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए बी इज पैरेलल टू आर एस। ये हमने अभी जो थ्योरम पढ़ा उससे हमने ये प्रूव कर दिया। समझ रहे हो ना क्या हुआ भाई, ए बी हमने एक लाइन बनाई जो कि पी क्यू के पैरेलल है और आर एस तो पी क्यू के पैरेलल है ही, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इसका मतलब दो लाइनें ए बी और आर एस एक सेम लाइन के पैरेलल थी, पी क्यू जो एक सेम लाइन है उनके दोनों पैरेलल थी। तो थ्योरम के हिसाब से ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो गए, यानी ए बी पैरेलल टू आर एस हो गया, ये हमने निकाल लिया। फाइनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स एम वाई यानी कि ये वाली वैल्यू पूरी हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करोगे, मैं थ्योरम से ये तो पता चल गया कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस। अब देखो, अब गौर से देखना, अब ये पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल हैं क्योंकि हमने ए बी ड्रॉ करी। तो अगर ये एंगल 35 डिग्री है, ये एंगल 35 डिग्री है, तो ये ए बी के ये वाला जो मैं पिंक कर रहा हूँ ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस, उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी कि इन दोनों का सम, ये जो पिंक मैंने करा है, इनका 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये जो लाइन पैरेलल जा रही है ये इंटीरियर एंगल हो गया ना सेम साइड,
तो इनका सम 180 डिग्री होता है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सब नहीं पता इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस सेम साइड में है, इन दोनों लाइन को विजुलाइज करो, सिर्फ पी क्यू और ए बी को। तो इस पी क्यू और ए बी में ये दोनों, ये क्यू एक्स एम एंगल क्यू एक्स एम इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंड देन व्हेन यू सी एक्स एम बी तो ये क्या होगा, तो ये होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 135 है तो ये 45 डिग्री होगा, तभी तो दोनों ऐड होकर 180 डिग्री होंगे। तो एक्स एम बी क्या होगा, 45 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 45 डिग्री, लेकिन हमें पूरा चाहिए एक्स एम वाई, हमें पूरा चाहिए एक्स एम वाई, हमें तो आधा मिला अभी 45 डिग्री, ठीक है। अभी ये वाला एंगल कैसे ढूंढेंगे हम, तो अब गौर से देखो, ये जो है अल्टरनेटिव एंगल है। अगर ए बी और आर एस ये हमने थ्योरम से पैरेलल प्रूव कर दिया, तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव होंगे। तो ये 40 है तो अल्टरनेटिव एंगल ये भी 40 होगा। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये 40, ये ऊपर 45, तो ये पूरा एंगल एम क्या हो गया, 40 प्लस 45 यानी कि 85 डिग्री, और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट जरूर आपके अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल सम 180 डिग्री, ये सब लगे हैं, लेकिन हमारा जो आज का वीडियो था उसके बिना ये नहीं हो सकता था कि टू लाइंस इफ पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ए बी और आर एस हम प्रूव नहीं कर पाते कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट एंगल वाला हम कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, तो हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कि इफ टू लाइंस पैरेलल, ये शॉर्ट में पैरेलल में ऐसे लिखते हैं, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमारी एक थ्योरम है। क्या क्या है इसका मतलब, ये दो लाइनें, अगर मान लो ये दो लाइनें हैं एल और एम नाम की, ये दोनों लाइनें किसी एक सेम लाइन के, इसी लाइन के पैरेलल है एन के, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब एल पैरेलल एम हो जाएगा, ये है हमारी थ्योरम का सार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शॉर्ट ही रखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में जाके कर लेना, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।